हेलो। हाँ भाई, मैं मुझे भेजाना। हाँ बोल, काम क्या है? अरे यार, काम कुछ नहीं था। GTA 5 डाउनलोड करके देना। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? हे व्हाट इज अप सब ब्रदर्स। तो GTA 5 तो हमारे एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए नहीं आने वाली जल्दी, ना ही वो कभी आ सकती है शायद से मुझे लगता है। पर दोस्तों, ऐसी कुछ गेम्स तो ज़रूर आने वाली है जो कि बहुत ही आपको हिला के रख देगी। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में उन्हीं गेम्स के बारे में बात करूंगा, टॉप 5 अपकमिंग गेम्स इन द ईयर 2019। तो दोस्तों इस साल बहुत ही अमेजिंग वाले गेम्स आने वाले हैं, तो चलिए हम देखते हैं कौन से गेम्स जो है आने वाले हैं। द एल्डर स्क्रोल्स ब्लेड, ये दोस्तों एक फर्स्ट पर्सन रोल प्लेइंग गेम है। इसमें आप आपकी खुद की सिटी बना सकते हैं, टेक कर सकते हैं और दोस्तों आपके फ्रेंड्स और राइवल्स को लेके एपिक वन ऑन वन बैटल कर सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं एक यूनिक वेपन्स, आर्मर्स और एबिलिटीज और बहुत कुछ। इन्होंने अपनी गेम को रिलीज़ करने का सोचा था 2018 में, पर कुछ इश्यूज़ की वजह से ये अभी जो है डेब्यू करने वाले हैं 2019 में। पर ये गेम का ट्रेलर देख के बहुत लोगों के मन में बहुत आशा है कि ये गेम बहुत ही अच्छी निकल के आएगी, जैसे इवेकन 2 आई थी। तो आपको ये गेम शायद से पसंद आ जाए या ना आए, मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स में कि आपको ये गेम पसंद आई, और ये भी 2019 में ही आने वाली है। H1Z1, दोस्तों ये एक बैटल रॉयल गेम है, सिमिलर है पबजी और फोर्टनाइट से। इसमें आप दोस्तों जंप करेंगे एक एरोप्लेन से और आपके साथ रहेंगे 150 प्लेयर्स। यस, आपने सही सुना, 150 अदर प्लेयर्स के साथ आप यहाँ से प्लेन से कूदेंगे। और दोस्तों ये गेम PS4 और PC के लिए पहले ही अवेलेबल हो गई थी, पर अभी ये जल्दी ही मोबाइल डिवाइसेस के लिए भी लॉन्च हो रही है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली गेम भी ज़रूर पसंद आएगी। प्रोजेक्ट कार्स गो, दोस्तों इस गेम के बारे में ज़्यादा बताने से पहले मैं बोल दूं कि ये जो आप ट्रेलर देख रहे हैं स्क्रीन के सामने, ये प्रोजेक्ट कार्स गो का नहीं है। ये ऑफिशियल गेम जो प्रोजेक्ट कार्स आई थी PC और एक्सबॉक्स के लिए उसका है, क्योंकि प्रोजेक्ट कार्स गो जो मैं गेम की बात कर रहा हूँ ये दोस्तों 2019 में आने वाली है, और कंपनी ने अभी तक इसकी आइडेंटिटी को बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रखा है। कुछ भी इसके बारे में ट्रेलर या फिर टीजर या फिर अपनी जो इन्फॉर्मेशन है ज़्यादा रिलीज़ नहीं की, ना ही रिलीज डेट रिलीज़ की है। काफ़ी जगह पर ये गेम्स अवेलेबल नहीं है और ना ही प्ले स्टोर पर भी इसका या बीटा या फिर कुछ लॉन्च हुआ है। तो ये बहुत ही ऑथेंटिक रेसिंग एक्सपीरियंस मिलता है इस गेम से। प्रोजेक्ट कार जानी जाती है दोस्तों इसके ग्राफिक्स और इसके ड्राइविंग एक्सपीरियंस की वजह से, क्योंकि इनकी कार्स की जो हैंडलिंग है वो मानी जाती है कि GTA 5 में जो कार्स है उनसे भी अच्छी हैंडलिंग है। GTA 5 भी जाना जाता है उनके कार्स के हैंडलिंग की वजह से, क्योंकि अगर आप ओपन वर्ल्ड कैटेगरी गेम्स खेलते हैं तो आपको पता होगा वॉच डॉग्स और GTA की कार ड्राइविंग में बहुत फर्क होता है। तो हैंडलिंग एक नाम होता है, चीज़ होती है हर एक गेम में कार्स की। तो ये जो जाना जाता है हैंडलिंग के लिए, बहुत ही रियलिस्टिक हैंडलिंग आपको इस गेम में देखने मिलती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये गेम भी जैसे रिलीज होती है पसंद आएगी। पेडे क्राइम वॉर, दोस्तों ये एक फर्स्ट पर्सन हाइस्ट गेम है, जो कि इसकी जो सीरीज़ है पेडे, पेडे 1 एंड पेडे 2, ये जो PC के लिए और कॉन्सोल के लिए रिलीज़ हुई थी एक हाइस्ट गेम की तरीके से, और ये अभी अपना एक्सपीरियंस मोबाइल में देने के लिए भी आ चुके हैं, और ये 2019 में इनकी पेडे क्राइम वॉर भी रिलीज़ होने वाली है। दोस्तों ये मल्टीप्लेयर गेम है, तो मुझे थोड़ा दुख लगा कि ये ऑफलाइन नहीं है, और इसमें दोस्तों आपको टीम की तरह खेलना है, जैसे आप काउंटर स्ट्राइक में खेलते हैं कि एक टीम रहेगी जो रहेगी क्रिमिनल्स की और एक रहेगी कॉप्स की, मतलब स्वॉट की या फिर बोल सकते हैं पुलिस की, पुलिस चोर जैसी गेम है। तो एक टीम में आप चोर बन सकते हैं या फिर एक टीम में आप पुलिस बन सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये गेम पसंद आएगी। ग्रिड ऑटो स्पोर्ट, दोस्तों ग्रिड ऑटो स्पोर्ट ये जो है iOS के लिए 2017 में ही अवेलेबल हो गई थी ये गेम। ये दोस्तों एक प्रीमियम रेसिंग गेम है, पर अभी इन्होंने अपने PC और PC प्लेटफॉर्म और कंसोल प्लेटफॉर्म पे सक्सेसफुली लॉन्च के बाद इन्होंने सोचा कि एंड्रॉयड के लिए भी इन्हें लॉन्च करना चाहिए, तो अभी इनकी गेम जो है एक एंड्रॉयड के रूप में भी आपको मिलेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली गेम भी पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में दिखाए गए सारे गेम्स मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे, तो ज़रूर इनके लिए वेट करिए, और जैसे ये रिलीज़ होते हैं मैं आपको अपडेट दूंगा और आप जल्दी से इनको डाउनलोड भी कर सकेंगे और आप खेल सकेंगे। तो मुझे बताइए कमेंट्स में कि आपको इन 5ों में से कौन सी गेम ज़्यादा पसंद आई। तो चलिए हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए बिल्लू टेक्निकल।